अपना नाम बताइए। प्रमिला देवी, ग्राम सभा सिरीगंज, ब्लॉक करंडा, नंदगंज, जिला गाजीपुर। और आपका काम कौन देखता है? हमारे प्रतिनिधि हमारे पति। नाम क्या उनका? शोभनाथ। बगल में है शोभनाथ बैठे हुए। ओके, आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं ग्राम पंचायत श्रीगंज का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शोभनाथ बिंद और भारतीय जनता पार्टी का शक्ति केंद्र भी हूँ। जी, शक्ति केंद्र प्रभारी हैं। जी जी, तो आपके गांव में विकास कार्य के तहत जो है क्या हो रहा है बताइए। हमारे गांव में विकास कार्य सब रुका हुआ है। क्योंकि पंचायत भवन जब तक बनेगा नहीं तब तक कोई कार्य होगा नहीं। जो कि पंचायत भवन के स्थान पर जो स्थानीय लोग हैं उसको रोके हुए हैं। अकेले 4.5 बीघा भूमि नखड़ू बिंद पुत्र प्रयाग और बाबूलाल के पुत्र हैं जोगेंद्र पुत्र बाबूलाल और अच्छेलाल पुत्र बाबूलाल और जो है लखनचंद पुत्र बाबूलाल, ये लोग वहाँ तक सामान जाने ही नहीं देते हैं, जिसके कारण वो उस अभाव में सब रुका हुआ है। कितना काम हुआ पंचायत भवन में? पंचायत भवन में सर जो होता है कि पंचायत भवन की नींव और चार दीवारी की नींव पड़ गई है। तो ये बताइए कि पंचायत भवन को लोग अवरुद्ध किए हुए हैं विकास कार्य को, इसके लिए आपने प्रशासनिक पहल क्या किया? मैंने सर थाना में कई बार गया और वहाँ के से जवाब जो कि थाना द्वारा हमको सुपुर्द कराया गया जमीन को, भूमि प्रबंधन समिति के प्रस्ताव द्वारा जिलाधिकारी के निर्देशानुसार और लेखपाल की पैमाइश से प्रशासन के सुपुर्दगी में भूमि प्रबंधन के प्रस्ताव 2021 के तहत मैंने उस पर कार्य कराया है, जो कि 3 बार हमको प्रशासन वहाँ पे जमीन सुपुर्द कराने के लिए गई थी। अब जाने पर यही बोलती है कि लेखपाल और कानगो को बुला लाएंगे तभी हम जाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं जाएंगे। मैंने लेखपाल कानगो के पास गया तो लेखपाल कम से कम 4 महीने से आज काल परसों ऐसे से, क्या नाम लेखपाल का? लेखपाल का नाम है प्रदीप गुप्ता। 4 महीने से आज काल परसों मतलब एक करते रहते हैं, जिसके कारण से न तो लेखपाल आते हैं न तो प्रशासन आती है। बात समझ में नहीं आता है कि प्रशासन की गलती है कि लेखपाल की गलती है कि किसी की गलती है। इसलिए आपका काम अवरुद्ध। सामुदायिक शौचालय की सर, सामुदायिक शौचालय जो है कि हम कई बार जा चुके, सचिव साहब भी हम लोग दोनों लोग गए थे, गांव के भी समिति जो है वार्ड सदस्य जो है वो लोग भी साथ में थे, उसका ताला तोड़ने के लिए गए थे, लेकिन जहां बना हुआ है वो उनका नाम है राम मिर्च बिल, जो कि हाथ पकड़ लिए ताला नहीं तोड़ने दिए और खुल नहीं पा रहा है उसका, जिससे सारे हमारे गांव की महिलाएं खेत में अपना शौच करने के लिए जाती हैं। तो एक स्वच्छ भारत मिशन का उल्लंघन होता है। जी जी, स्कूल में क्या काम करवाया है? सर जी, विकास कार्य में मैंने स्कूल में दिव्यांग शौचालय बनवाया हुआ है और बालक बालिका शौचालय बनवाए हुए हैं और इस समय बनवा रहे हैं सुखता, जिसका चुनाव आयोग द्वारा सख्त आदेश है, उसमें पानी बने कहीं साधन नहीं है। और मैं सुखता प्रेजेंट में बनवा रहा हूँ माननीय श्री BDO और सचिव के कहने पर। जी, जाकर प्रसाद शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय श्रीगंज। आपके स्कूल में क्या हो रहा है इस समय? सुखता बन रहा है हैंडपम्प के लिए। अच्छा, पेमेंट सब हो गया? जी नहीं, पेमेंट नहीं हुआ, सब बहुत पेमेंट बाकी है। सचिव साहब कहते हैं कि आपके खाते में पैसा नहीं आएगा तभी मिलेगा। दुर्गा बिंद के घर, लाल जी के बिंद के घर और एक पंचायत भवन रिवॉल्व हुआ। जी प्रधान जी, आपके गांव में आवास प्रधानमंत्री आवास 69 आवास टोटल आए हुए, जिसमें एक रिजेक्ट है, उनका सही लॉगिंग न हो पाने के कारण उनका कंप्यूटर का जमाना है। हाँ, चलिए जो रिजेक्ट है, और बाकी 78 लोगों का नहीं, 78 कैसे, 68 लोग ना, 68 लोगों का बन रहा है। जी बन रहा है, कुछ लोग अपना या तो हमको अपना विपक्ष मान करके नहीं बना रहे हैं या तो उनकी मनबढ़ोही कहा जाए। अच्छा, पति का नाम बताइए। किस गांव की हैं? श्रीगंज। आप पिछले जो प्रधान थे उनका क्या नाम था?
उमा प्रकाश ओम प्रकाश बोलते हैं, उसको उमा कहते हैं ना। अच्छा ये बताइए कि आवास उनके जमाने में आया था आपका? नहीं मैंने कुछ सुना। नाम लिस्ट में आया था? अब लिस्ट से बता सको कि आया कि नहीं, नाम के में कुछ उनके नाम था है। हां बाकी मैंने के लिस्ट दिखाई प्रधान जी ने, लिस्ट हम देखा लेकिन उनमें दिखाए हैं कल कानगो सबसे संपर्क किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब आगे क्या करेंगे? आगे अब हम अकेले पड़े हुए हैं, नियते हैं जी, अकेले मैं क्या कर सकता हूँ। प्राथमिक स्कूल में क्या करूँ, काम करवाया? महोदय जी प्राथमिक विद्यालय में मैंने बालक बालिका का शौचालय बनवाया हूँ और एक विकलांग का शौचालय बनवाया हूँ और दो कमरे में टाइल्स लगा हुआ है और पैसे के अभाव में दोनों शौचालय में विद्युतीकरण और दिव्यांग शौचालय में रेलिंग छूटा हुआ है। और बताइए कि जो सामुदायिक शौचालय आपके गांव का है जी जी, उसमें ताला बंद है, उसके लिए क्या करा? जी महोदय जी उसके संबंध में मैंने जो ताला लगाया था उसको थाना में सूचना दिया, थाना में भी वो गया था लेकिन उसके बावजूद भी नहीं उस ताला खोला और गांव के लोग को मैंने लेकर गया, सचिव साहब भी साथ में थे, ताला तोड़ने के लिए गए तब भी तोड़ने भी नहीं दिया जी। मैं ब्लॉक पर भी कहा इसके बारे में लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके गांव में दबंग काफ़ी है जी जी। अब बताइए प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास जी, तो आपके पास जो है प्रधान पीएम आवास लिस्ट देखे हैं आप जी? आवास की लिस्ट देखे हैं आप जी? जी तो कितने आवास मिले आपको जी? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के 69 टोटल आवास आवंटित हुए हैं जी, उसमें से एक रिजेक्ट है। अच्छा एक रिजेक्ट है। आपके पीछे कुछ महिलाएं खड़ी हैं जी, ठीक है जी। ये आपके गांव के ही हैं जी, तो आप लोग जरा बताइए किसको किसको आवास मिला, अपना हाथ उठाइए। तो आवास नहीं मिला हुआ आप लोगों को? देखिए ये लोगों को आवास नहीं मिला हुआ, ये प्रधान के दरवाजे ये लोग आई हुई है, जबकि आवास के लिस्ट में इनका नाम है और मनगढ़ंत तरीके से उस पर रिपोर्ट लगाई गई है। श्रीगंज पानी की टंकी है जी? नहीं। बारात घर जी? नहीं। खेलकूद का मैदान जी? वो भी नहीं। वो भी नहीं है, कारण क्या है कि सर जी? आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं। नंदघर जी? नंदघर? नंदघर नहीं है। नहीं है जी, ये सब नहीं है जी जी। तो क्या जमीन गांव में है जी? जमीन 4.5 बीघा अकेले है, एक ही व्यक्ति कब्जा किया हुआ है। हमारा ग्राम सभा आबादी में ज्यादा है लेकिन जमीन कौन कब्जा किया नाम बताइए आप? जमीन के क्षेत्रफल में हमारा कम है लेकिन 4.5 बीघा अकेले नखड़ू बीन पुत्र प्रयाग और बाबूलाल पुत्र शोभित के लड़के हैं, उन्होंने 4.5 बीघा जमीन अकेले कब्जा किए हुए हैं, जिसके कारण जमीन के अभाव में हमारे गांव में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। कब्जाधारियों के विरुद्ध कोई आपने प्रशासनिक पहल किया? अब सर जी प्रशासनिक कैसे किया, मैंने पंचायत भवन के लिए उस पर कदम उठा रहा हूँ, उस पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। उसी जगह पंचायत भवन बनना है जी जी, जो कि अधूरा है जी जी, तो बाकी कार्य में कहाँ से अधिकारी जो है उदासीन है जी जी, सुनवाई नहीं हो रही है अभी। प्रतिनिधि जी ये बताइए कि श्रीगंज में जमीन काफ़ी पड़ी हुई है आपके अनुसार, जैसे आप बता रहे हैं कि 4.5 बीघा जमीन है जी, और उसको कब्जा कर लिया लोगों ने जी, आप बार बार अधिकारियों के पास जा रहे हैं, अधिकारी जो है बस आपको झुंझुना पकड़ा दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है जी, तो अब क्या करेंगे आगे आप? जी श्रीमान जी मैंने एक बार DM के पास गया था, हम दोनों पति पत्नी, ये दिमाग में लेकर के कि हम जाएंगे अपना त्याग पत्र दे देंगे, लेकिन उस दिन DM साहब मिले ही नहीं, थे ही नहीं उस दिन, फिर हम लोग दोनों लोग चले आए। अब यही दिमाग में हम लोग का आंदोलन करेंगे और धरना करेंगे जी, यही अब शेष बचा हुआ है और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को, दूसरा कोई रास्ता। ठीक। पिता का नाम? बैजनाथ। बैजनाथ किस गांव के हैं? श्रीगंज। आवास आपको मिला है? नहीं। आवास के लिस्ट में तो आपका नाम है? नवा ना सा मिला ना है। मिला नहीं? नहीं। आपका घर कैसा है? सीट के रखा लिए, मड़ई है। मड़ई में रहते हैं?
ठीक है, देखिए पात्र है, इनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। एक बार नाम फिर से बताइए अपना। राम वर्ष नाम। पिताजी का नाम? नाम बताइए अपना। सुशीला। पति का नाम? गांधी। गांव? सीरीगंज। आवास मिला? नहीं। नहीं मिला? नहीं। कैसे रहती, कहाँ रहती हैं आप? तिरपाल रख लें, टाटी रख के। बच्चे कितने हैं? बच्चा है हमारे छगो। पाँच गो लड़की, एक गो लड़का। अच्छा, तो अपना श्रम कार्ड बनवाई है? नहीं, श्रम कार्ड नहीं बनवाई है। पहले का आधार कार्ड है। राशन कार्ड मिलता है? राशन हाँ मिलेगा, बस आवास नहीं मिला आपको। हमारा राशन का नाम कट गया। गैस, उज्ज्वला गैस मिला है? नहीं, नहीं मिला है। गैस ना मिला। जहाँ आप आवास कर रही हैं वो जमीन किसकी है? वो जमीन किसकी है, आपकी जमीन है कि कब्जा की है? कब्जा मन करना है। हाँ? मन करना नहीं हो रही मेरा निजा। अच्छा, बंजर जमीन है लोका? बंजर, बंजर में है। जी, आबादी जिसे 128 नंबर में है आबादी। ठीक, आधा अधूरा सामुदायिक शौचालय श्रीगंज। प्रधान जी बताइए जरा, ये तो आपका सामुदायिक शौचालय अधूरा है? जी जी, अधूरा है, और साथ ही इसमें ताला भी लटका हुआ है। जी जी, आगे देखिए जो ताला लटका हुआ है, उन्हीं का ईंटा जो ताला लटका हुआ है। हाँ जी, और जो ताला लटका है उन्हीं का ईंटा है? ईंटा का यहाँ रखे हुए, कब्जा किए हैं का? जी जी जी। क्या नाम उनका? राम वृक्ष। हैं? राम वृक्ष बिंद। राम वृक्ष बिंद। जी जी, देखिए श्रीगंज में सामुदायिक शौचालय पूर्व प्रधान ने बनवाया है और इसका कनेक्शन इसमें नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं, और साथ ही ताला बंद हुआ है, और गांव की महिलाएं एक कदम स्वच्छता की ओर, शौचालय है शान हमारी, छू मंत्र होती है बीमारी, बच्चे को शौचालय की आदत डलवाएं, और खुला उल्लंघन है स्वच्छ भारत मिशन का। देखिए अपना नाम जरा बता दीजिए जी। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सोमनाथ बिंद। हाँ सोमनाथ बिंद जी, देखिए दिखा रहे ताला एकदम मजबूती से बंद है, इसमें भी ताला लटका हुआ और इसके अंदर ऐसे ही आधा अधूरा निर्माण है, निर्माण तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये सामुदायिक शौचालय जिसने बनवाया, ग्राम पंचायत श्रीगंज उर्फ नंदगंज विकासखंड करंडा, देखिए इसमें एडीओ लिखा हुआ श्री रमेश गुप्ता, सचिव श्री आशुतोष सिंह, ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी, खंड प्रेरक है अविनाश सिंह। ये लोग आधा अधूरा शौचालय बना करके पैसा डकार गए हैं, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। ये शौचालय हम लोग देखे, ताला बंद है। हाँ तो हम भी आए थे तोड़ने के लिए, पकड़ लेना हाथ राम ब्रिज। अच्छा, हाथ पकड़ लिए? हाँ, ना तोड़ा देना, यक्का थोड़ी मरनी दूसरा का। तो कहा है आप तोड़ेंगे, आप कानून को हाथ में काय लेंगे? ये मेंबर हैं, वार्ड सदस्य हैं, ये तो बकायदे जब बन जाएगा हैंड ओवर ना करेंगे, वो पैसा तो पूर्व प्रधान लिए हुए हैं जी, है जब कंप्लीट है तो वो खुद हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, हैंड ओवर नहीं हो सकता अभी। ठीक, अंदर सब ऐसे ही है, इनकम्प्लीट है, टूटी नहीं लगी हुई है, सब अधूरा है। श्रीगंज का सामुदायिक शौचालय मुंह चिढ़ा रहा है। अपना नाम बताइए। बताइए प्रधान जी। ओम प्रकाश बीन। पूर्व प्रधान ओम प्रकाश बीन। किस गांव के? श्रीगंज। विकासखंड? करंडा। जनपद? गाजीपुर। विकास के क्रम में आपने जो भी विकास किया वो तो अलग चीज है, लेकिन जो शौचालय इस समय बना हुआ है, सामुदायिक शौचालय आप द्वारा बनवाया गया है या आप सेक्रेटरी द्वारा बनवाया गया है, इसके विषय में बताइए, अभी तक शौचालय हैंडओवर क्यों नहीं हुआ? सामुदायिक शौचालय बन चुका है, इसे जो सेक्रेटरी साहब कहे कि लास्ट में हम ही बनवाएंगे, उन्होंने बनवाया, वो जो जिनको हैंड ओवर किए होंगे उसके जिम्मेदार सेक्रेटरी साहब है, उनका नाम आशुतोष सिंह है। आशुतोष सिंह। हाँ, इस समय किस ब्लॉक में है? देवकली ब्लॉक में है। अभी भी इसी गांव को देख रहे हैं? नहीं, देवकली ब्लॉक में, करंडा ब्लॉक में, श्रीगंज
करंडा ब्लॉक में। अच्छा, करंडा ब्लॉक। उनका ट्रांसफर हो गया और देवकली ब्लॉक में। देवकली में चलेगा, इसे बोलिए ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया। अच्छा, तो अभी ये विवाद में ही फंसा हुआ है, आखिर किसकी जिम्मेदारी है? आप पूर्व प्रधान की भी तो जिम्मेदारी होती है कि शौचालय नए प्रधान को हैंड ओवर किया जाए। सेक्रेटरी साहब का हमने जो चाबी वगैरह सब दे दिए हैं। अच्छा, हैंड ओवर सेक्रेटरी साहब को करना था, जिसको हैंड ओवर किए हैं वो। हैंड ओवर का मतलब कम्प्लीट, लोग उसमें शौच का उपयोग करें। शौचालय में कोई परेशानी नहीं, शौचालय बन करके तैयार है, चाबी जिसको दी गई। अभी तो आपने बताया कि हैंडपंप नहीं लगा हुआ, वहाँ देखा भी गया हैंडपंप नहीं है। हैंडपंप तो भाई, हैंडपंप नहीं लगा तो अभी कर रहे हैं, मौका उसमें थोड़ा झूठ बोलना है। हैंडपंप नहीं लगा है, देखा गया है कि ईंटे से घेर दिया गया, कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं, ताला लगा हुआ, दो दो ताले लगे हुए हैं। तो अब किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी इसकी आशुतोष सिंह की है। आशुतोष सिंह से अभी आप अपने नैतिकता के आधार पर बातचीत किए हैं कभी? हाँ, बार 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 जब भी उनसे बात हुई है। क्या वो जवाब देते हैं? वो जवाब क्या देंगे? उनको चाबी ने कहा कि गाँव वालों को चाबी दे दीजिए आप। अब पता नहीं दिए कि नहीं दिए। इसके बाद चुनाव हुआ, हम लोग हार गए, इसके बाद हमसे मतलब जो नया प्रधान हुआ अपना वो देखे हमसे क्या बिना देना। श्रीगंज की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, गाँव में है। आपको आवास नहीं मिला है? ये अपने कच्चे घर में रहती है ना? ये घर आपका पति के नाम, नाम क्या आपका? मीरा। पति के नाम, गांव का नाम बताइए। श्रीगंज। आइए, झोपड़ी भी झोपड़ी नज़र आ रही है श्रीगंज में। अपना नाम बताइए। रेमजिम नाम है। पति के नाम। ये झोपड़ी आपकी है? आवास नहीं मिला आपको? भी आवास नहीं मिला? दिनेश। क्या नाम तुम्हारे पापा का? आवास मिला है? इसी झोपड़ी में रहती हो सामने वाले में? अपना नाम बताइए। बहुराम। इसी में रहते हैं? हाँ। देखिए बहुरन जी का नाम बताओ। अपन हमारा भी सुनी नाम है। इसी घर में रहती हैं? टू चल रहा है, 100 वाट का बल्ब जल रहा है, और यहाँ पे मीटर भी लगा हुआ है। ये मीटर पता नहीं, मीटर चल तो रहा है आपका मीटर। आप दिन में जो है मीटर इनका चल रहा है, देखिए गरीबी भी है और 100 वाट का लट्टून का जल रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है बताइए? पंचायत भवन की ये जमीन के प्रधान जी खड़े हैं, प्रधान प्रतिनिधि। प्रधान जी इधर आ जी। लेखपाल के पैमाई द्वारा भूमि प्रबंधक की समिति के प्रस्ताव। नहीं नहीं, आराजी नंबर कितना ही है? 88 नंबर पर हमको मिला है लेखपाल के पैमाइश पर, हम इसमें काम करा रहे हैं। इतना बाउंड्री कराए हैं आप? जी जी। उधर हैंडपम्प भी दिखाई दे रहा है, लोग बिगाड़ दिए हैं, देखिए तार है। तो प्रधान जी, ये तो आपका काम रुक गया है। जी जी। इसका आने का रास्ता किधर से है? वही तो समस्या है, बिना रास्ता के पंचायत भवन कैसे कोई आएगा बताइए? आ पा रहा है यहाँ पे, हम लोग बनने भी नहीं दे रहे हैं। रास्ता किधर से है विकल्प बताइए आप, किधर से आएगा जाएगा? इधर से आएगा, उधर से। जी जी। जो सरसों की जमीन हो, किसकी जमीन है वो? नखड़ू और बाबूलाल की जमीन है, कश्तकारी अपना बताते हैं, और इधर भी जमीन है। अच्छा, नखड़ू बाबू जी बूढ़े दादा है, यही है। चलिए। हाँ, आपका नाम क्या है? नखड़ू नाम है। नखड़ू। पिताजी का नाम? प्रयाग। किस गांव के हैं? श्रीगंज। श्रीगंज। तो ये जो सामने बन रहा है ये पंचायत भवन जी, तो इसको आप रोके हैं? हाँ, आप रोके हैं इसको? पता ना क्या कहेंगे हम, दाखिल कहेंगे हम क्या, मतलब आप रोके हैं कि नहीं रोके हैं, मैं पूछ रहा हूँ। हम तो कर रहे हैं, 2 पैसा मांगना भैया, 2 पैसा दे देंगे। तो 4.5 पैसा से 5 पैसा में घेरे में से रोक रहे। तो ये ज़मीन आपकी है? हाँ, आपकी है कि बंजर है? अब चाहे जमन होकर तो हमारा तो डिग्री भर बात कर रहे थे, इसलिए कि जल्दी तो
डिग्री है आपके पास? हाँ। कागज रखे हैं? हाँ। दिखाइए कागज।